मोना सिंह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टीवी शोज के अलावा मोना ने कई शानदार फिल्में भी की हैं। हाल ही में मोना हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया में नजर आई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने वाली मोना सिंह ने पारंपरिक सिख रीति रिवाजों के साथ फिल्म निर्माता श्याम राजगोपालन के साथ शादी की थी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किसी एक्टर संग शादी क्यों नहीं की, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मोना सिंह ने अपने फैंस को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने फिल्म निर्माता श्याम राजगोपालन से शादी करने का फैसला किया। वहीं हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में मोना ने बताया कि आखिर उन्होंने एक्टर संग शादी क्यों नहीं की। मोना कहती हैं, शायद मैं किसी अन्य अभिनेता को संभाल नहीं सकती थी, थोड़े जुनूनी टाइप के हो जाते हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन लोग होते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम एक ही इंडस्ट्री में हैं, वो एडवर्टाइजिंग में है, एक्टर नहीं। मोना ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके पति श्याम एक फिल्म निर्माता हैं, उनके पति एक निर्माता निर्देशक हैं और यहां तक कि थिएटर भी मैनेज करते हैं। जब वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हैं, तो वो उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। वो तब भी उनकी मदद करते हैं जब वो किसी उलझन या लाइफ के इश्यू में फंस जाती हैं। मोना साल 2019 में श्याम गोपालन से शादी के बंधन में बंधी मोना पंजाबी हैं और उनकी शादी पारंपरिक सिख रीति रिवाज से हुई है। मोना का कहना है कि वो तमिल को थोड़ा बहुत समझ सकती हैं, क्योंकि उनके पति ने उन्हें भाषा की बेसिक बातें सिखाई हैं। मोना ने कहा कि उनका पति एक ग्रेट इंसान है। वो कहती हैं, मेरे सभी दोस्त इस बात से खुश थे कि तुमने एक साउथ इंडियन से शादी की है, खाना बड़ा अच्छा मिलेगा तेरे घर पे। और मैं ऐसे थी, शट अप। एक ऐसा वक्त भी आया जब मोना सिंह की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। साल 2013 में उनका ऑनलाइन MMS लीक हुआ था, जिसमें दिख रही लड़की को लेकर कहा जा रहा था कि ये मोना सिंह है। हालांकि मोना का कहना था कि ये MMS फर्जी है। बाद में साइबर पुलिस ने भी जांच के बाद उस MMS को फर्जी और एडिटेड बताया था। कम ही लोग जानते होंगे, जब वीडियो वायरल हुई थी उस वक्त मोना सिंह एक्टर विद्युत जम्वाल संग रिलेशनशिप में थी। कहा जा रहा था कि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन वीडियो के वायरल होने के कुछ दिनों के बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं। मोना सिंह कमाल की डांसर भी हैं। उन्होंने झलक दिखलाजा सीजन 1 जीता था, फिर इसी शो के सीजन 3 और 4 को भी होस्ट किया। इसके अलावा मोना सिंह क्या हुआ तेरा वादा, प्यार को हो जाने दो और कवच, काली शक्ति से जैसे शोज में काम कर चुकी हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में वो आमिर खान की मां की भूमिका में नजर आई थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक।